नमस्कार दोस्तों, जिन भी लोगों ने ये वाली पायल चूज की थी और ये जो पायल है, इस जो भी लोगों ने ये पायल को चूज किया था, अब मैं उनकी रीडिंग लेने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन पर्सन आ रहा है। कुछ कुछ वैसी ही एनर्जी है, तो आप लोग पाइल वन भी देख सकते हैं, ठीक है, पाइल टू वाले पाइल वन भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अगर ज़ोडियक साइन की बात करूँ तो फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, एरीज लियो सैज हो सकते हैं, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ है बट काफ़ी कम है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैरिड लोगों की जो ये पायल हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपकी तरफ पर्सन आ रहा है, हो सकता है कि वो पहले उसने आपको ना बताया हो और वो किसी कार्मिक के साथ जो है वो स्टक था, ठीक है। वो मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं पर्सन, और ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी अथॉरिटेटिव टाइप के हैं आपसे। हो सकता है कि एल्डर हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप सेंडर हों, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी ये पर्सन जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे ये लोग ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ क्रॉस रोड पे हैं ये पर्सन इस टाइम पर। इस पर्सन को कुछ डिसीजन लेना है, अगर ये किसी कार्मिक के साथ है और आप इनका वेट कर रही हैं, तो ये पर्सन को ये सर्कल को एंड करना पड़ेगा, इनको कुछ एंड करना पड़ेगा और आगे जो है निर्णय लेना होगा। मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज को क्लियर आउट करना है, प्लीज सुनो। ओके, यस, ये पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक के साथ है और ये वेट कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स कब होगा और ये फिर आपकी तरफ आगे बढ़े। यहाँ कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है, इस फाइल में कुछ लीगल मैटर हो सकता है, इसीलिए आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन उसने आपको काफ़ी होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं रहे हैं आपको। ओके, प्लीज माइंड लिविंग द राइट एनर्जी। सो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से थोड़ा रेजोनेट करिए कि आपकी क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है फाइल को लेके, तब आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फुल एनर्जी, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा वेट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन को किस तरह से शुरू करें, और ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी उसमें देख रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन भी हैं, एक आप पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, और ये अपने करेज को अभी गेन कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आए और आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करें, बट ये थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है। सो चलिए देखते हैं कुछ और एनर्जीज। सो ये पर्सन जो ना इस टाइम पे काफ़ी साइलेंस में है, ये पर्सन जो है इस टाइम पे मेडिटेट कर रहे हैं इमोशनली, ये काफ़ी ड्रेन्ड आउट भी फील कर रहे हैं और ये काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में अभी अलोन भी है और ये अपनी लाइफ में कोच कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। और ये बंदा जो ये पर्सन है ये बहुत ही शेडो साइड में, अभी ये कार्ड देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर का कार्ड है पूरा। सो ये पर्सन जो है इस टाइम पे अपनी शैडो साइड पे हैं और ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। सी दिस पाइल इज़ वेरी हैवी एनर्जी, आई नीड टू चेक सम कार्ड, प्लीज रिमाइंड गिव मी द राइट एनर्जी व्हाई दिस नो नथिंग दिस कार्ड। ओके, ये पर्सन जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है इस टाइम पे, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, लीगल मैटर चल रहे हैं,
सो यहाँ पे ये पर्सन इज द गो विद द फ्लो चल रहे हैं अभी, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये इस कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं जैसे कि, लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है और ये पर्सन जो है वो चीज़ों को न्यू विजन से देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं कि ब्लेसिंग कार्ड्स में क्या आता है। सो आपके जो पर्सन है यहाँ पे, इनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और हैप्पीनेस। यस, बहुत जल्दी ही जो स्थितियाँ हैं वो चेंज होने वाली हैं यहाँ पर, और हैप्पीनेस आने वाली है, और ये अपनी शेडो साइड से सन की लाइफ में आ जाएंगे। सी, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स या कोई नंबर हो सकता है। तो इनका नाम जो है वो जे से हो सकता है, कैपिटल लेटर जे से, ए से हो सकता है किसी का नाम। ओके, यहाँ पे फोर नंबर फिर से आया है, दूसरी पायल में भी आया था। डी से हो सकता है किसी का नाम, कोई आपका एक्स भी हो सकता है ये, जो दोबारा से कम बात करेगा। बी किसी का नंबर नाइन हो सकता है या सिक्स हो सकता है। ओ, ओके, सो यहाँ पर मैं कुछ चांस लेना चाहूँगी। डॉल्फिन दिखाई दी है, डॉल्फिन जो होती है ना वो खुशी को, हैप्पीनेस को दिखाती है। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन कितनी हैप्पी रहती है। तो आपकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ग्रीन कलर आया मेरे पास। ओके, यहाँ ब्लू कलर है, तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्र भी जो है वो ओपन हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन अगर बता नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या समस्या चल रही है, क्या चल रहा है, तो वो पर्सन अब आपको कम्युनिकेट करेंगे। ये पर्सन आपके कनेक्शन को बहुत ही प्योर देखते हैं, आपको बहुत प्योर देखते हैं, और यहाँ पे कुछ मैरिज का सीन हो सकता है, एंगेजमेंट का सीन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रिंग आई है, वो पहले वाली पायल में भी रिंग आई थी। और यहाँ पर ये पुरानी बोलते हैं हमें इसको, कुछ कौड़ी बोलते हैं पंजाबी में, तो आई डोंट नो बाकी, कौड़ी बोलते हैं शायद। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर भी फ्लावर आया है, पिच कलर का ये फ्लावर है, तो आपके पर्सन को, आपके पर्सन आपको फ्लावर दे सकते हैं, या आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, ग्रीनरी आपको पसंद है। ओके, आपको पिंक कलर भी पसंद हो सकता है। सो ये कुछ चांस थे। ठीक है, लेट्स चेक सम पर्सनल मैसेज फॉर योर पर्सन। इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। आई नीड यू बैडली, मिस यू, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है कार्ड। ठीक है, आई एडिक्टेड टू यू इन अ पॉजिटिव वे। टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ टॉक्सिक बिहेवियर होगा, या आपके पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर होगा। योर फ्रेंड एनॉय मी, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन फ्रेंड्स जो हैं वो इनको एनॉय करते हैं, भाई इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कैन बी बैक टूगेदर। सो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आई लव योर स्माइल। ओके, और आई वॉन्ट टू मूव दिस फॉरवर्ड। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन होगा कि आपको इसको एंट्री देना चाहते हैं कि नहीं। सो लेट्स चेक व्हाट इज एंजल मैसेज। मिस इवन गिव मी द राइट एंजल्स। ओके, यहाँ पर मैं
मैंने तीन कार्ड लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है, आपके पर्सन जो है बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि कम टुगेदर, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने के लिए भी जो है बोला जा रहा है, मतलब कि आप हेल्दी फूड्स लीजिए, वाटर लीजिए, और किसी भी तरह के एडिक्टेड जो चीज़ें हैं, एल्कोहल वगैरह है, स्मोक है, उनसे आपको जो है क्विट करना है फॉर योर हीलिंग, ओके। तो हेल्दी फूड लीजिए और हेल्दी लाइफ को अपनाइए। सो ये थी रीडिंग हमारी आज की, जिन्होंने भी ये फाइल को चूज़ किया था ब्राउन कलर के पता को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टैरो रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, सो मेरा नंबर आता रहता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक माई रीडिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, एंड आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन ओम नमः शिवाय।